नौजवान के संकल्प ने कैसे बना दिया बिहार को अलग राज्य। क्या आप जानते हैं कि बिहार कैसे एक अलग राज्य बना? क्या आप यह जानते हैं कि सिर्फ दोस्तों के तानों की वजह से एक शख्स ने बिहार के निर्माण का संकल्प लिया था? क्या आप जानते हैं कि बिहार को बनाने में कितने सालों का संघर्ष रहा? क्या आप जानते हैं कि सात समंदर पार अलग बिहार का सपना देखने वाला वो शख्स कौन था? क्या आप जानते हैं कि बंगाली वर्चस्व के आगे बिहारी का वजूद अभिशाप बनने लगा था? क्या आप जानते हैं कि जमीन पर बिहार के जंग में सबसे आगे खड़े रहने वाले थे बिहार के मुसलमान? क्या आप जानते हैं कि बिना बड़े विरोध और विद्रोह के किस कूटनीति से हुआ था बिहार का निर्माण? ये साल 2013 की बात है, जब नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा गया था। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित अधिकार रैली में की गई थी। उस रैली में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार ने देश भर के बिहारियों को याद किया था, जहां नीतीश मंच से बिहारी अस्मिता को उभारते हुए नजर आए थे। 8 साल पहले नीतीश कुमार ने देश की राजधानी से जिस बिहारी अस्मिता को झंझोड़ा, उस अस्मिता की लड़ाई करीब 125 साल पहले ब्रिटिश राज में लंदन से शुरू हुई थी। और इन सब चीजों में सबसे बड़ी और रोचक बात यह है कि बिहार की अस्मिता की लड़ाई की शुरुआत बिहार से लंदन गए बैरिस्टर की पढ़ाई करने वाले एक नौजवान ने सिर्फ अपनी दोस्तों के तानों की वजह से की थी। उस दौरान ही बिहार के एक शख्स ने बिहार के निर्माण का संकल्प ले लिया था। बता दें कि लंदन से भारत वापस लौटने के बाद उस शख्स ने जहां एक तरफ वकालत की शुरुआत की, तो वहीं दूसरी ओर अलग राज्य का आंदोलन छेड़ने के लिए पटना से अखबार की भी शुरुआत की। इस अखबार की शुरुआत साल 1894 में की गई थी। उस समय वे मुश्किल से 20 वर्ष के थे। उनके अंदर बिहार को अलग राज्य बनाने की ही जिद थी कि 1910 में 4-4 महाराजाओं को मात देते हुए केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य बन पाया। इतना ही नहीं, इसके बाद वह पहले भारतीय भी बने जिन्हें एक प्रांत का गवर्नर और फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य भी बनाया गया। इनका नाम था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। रौबदार मूछे और असरदार व्यक्तित्व वाले वही सचिदानंद सिन्हा जिन्हें आगे जाकर संविधान सभा के पहले और अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए थे, मगर उनके जीवन की किताब में संविधान निर्माण से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है बिहार निर्माण की कहानी। डॉक्टर सचिदानंद का जन्म 10 नवंबर साल 1871 में शाहबाद जिले के मुरार गांव के एक कायस्थ कुल में हुआ था। वर्तमान में इनका गांव बक्सर जिले में है। इनके पिता का नाम बक्सी शिव प्रसाद सिन्हा था, जो कि डुमराव महाराज के यहां मुख्य तहसीलदार के रूप में काम किया करते थे। डॉक्टर सिन्हा की शुरुआती पढ़ाई उनके ही गांव में हुई थी। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा सिटी कॉलेज कोलकाता से की और बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए 7 समुंदर पार लंदन जाना पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के दौरान ही साल 1853 में लंदन में कुछ ऐसा हुआ जिससे नौजवान सचिदानंद सिन्हा का स्वाभिमानी मन तिलमिला उठा, और उसी तिलमिलाहट को शांत करने के लिए उसी समय उस स्थान पर यह संकल्प लिया कि भले ही आज बिहार भारत देश के नक्शे में नहीं दिखता, लेकिन जल्द ही दिखेगा। दरअसल 1853 में हुआ यह था कि ब्रिटेन में कुछ दोस्तों ने सचिदानंद को यह चुनौती दी कि भारत के नक्शे में बिहार कहाँ है, आप यह दिखा दें। लेकिन उस दौरान खुद को गर्व से बिहारी कहने वाले सचिदानंद सिन्हा ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय सच में बिहार का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस घटना में बिहारियों की हुई तोहसीन के बाद उनमें यह महसूस हुआ कि सच में हम बिहारियों की कोई पहचान ही नहीं है। इस घटना के बाद ही उन्होंने इस बात का संकल्प लिया था कि आने वाले दिनों में वह बिहार को पहचान दिलाएंगे और तब भारत के नक्शे में भी बिहार का अस्तित्व होगा। बता दें कि उन्होंने 1944 में प्रकाशित हुई सम एमिनेंट बिहारी कंटेम्प्रोरीज अपनी इस किताब में सचिदानंद सिन्हा ने बिहार निर्माण का पूरा वृतांत लिखा है। इस किताब में लिखा गया है कि तब ब्रिटेन में गोष्ठी में कुछ भारतीयों ने उन्हें चुनौती दी कि भूगोल के पाठ्य पुस्तक में बिहार बताएं। वे कहते हैं, तब मुझे लगा हम बिना पहचान के लोग हैं। 1893 में बिहार लौटा एक बिहारी पुलिस ड्रेस में दिखा, ड्रेस पर दूसरे राज्य का बिल्ला था। यह देख दुख हुआ तय कि बिहार की पहचान के लिए काम करना है।
किताब में सचिनान के द्वारा कई ऐसे तथ्यों के बारे में बात की गई है जो बेहद हैरान करने वाली है। पर आज के नौजवानों को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि बिहार से बिहार और बंगाल से अलग राज्य तक का सफ़र चुनौतियों को कितने पहाड़ को पार करके पूरा हुआ है। सचिदानंद जब लंदन से बिहार लौटे तो वो अपनी वकालत के साथ साथ बिहार का विशेष दर्जा दिलाने के लिए लोगों को एकजुट करने में जुड़ गए। लेकिन उस दौरान सबसे मुश्किल की बात यह थी कि उस समय में बिहार में कोई भी ऐसी अखबार का संपादन नहीं किया जाता था जिसके संपादक कोई बिहारी व्यक्ति हो। ऐसे में बिहारी भावनाओं और आकांक्षाओं की कहीं कोई जगह नहीं होती थी, जिसको देखते हुए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने साल 1894 में अंग्रेजी साप्ताहिक बिहार टाइम्स का प्रकाशन शुरू किया। बता दें कि इस अखबार के सबसे पहले संपादक बाबू महेश नारायण को बनाया गया। इन्होंने हिंदी की सबसे लंबी कविता स्वप्न के रचयिता को लिखा था। सचिदानंद ने बिहार टाइम्स की शुरुआत करके बिहार को पहचान दिलाने का पहला काम किया था। जब बिहार टाइम्स ने अलग बिहार की आवाज को बुलंद करते हुए यह लिखा कि बंगाल के प्रशासनिक भार को कम करने के लिए बिहार को उड़ीसा के साथ या फिर उसके बिना ही अलग कर दिया जाए, जिसके बाद बंगाली पत्रिका बिहार हेराल्ड और अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा उसके विरोध में बातें छपने लगी। मगर धीरे धीरे कई दूसरे अखबार भी बिहार टाइम्स के नक्शे कदम पर चलने लगे, जिससे बिहार को अलग करने की आवाज देश के कोने कोने तक पहुंचने लगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस आंदोलन में डॉक्टर सचिदानंद अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ महेश नारायण और बाद में नंद किशोर लाल और राय बहादुर कृष्ण सहाय भी कूद पड़े थे। धीरे धीरे समय के साथ साथ इन चारों आंदोलनकारी की आवाज दिल्ली दरबार के दीवारों से भी टकराने लगी, जिसके बाद इनका हौसला तोड़ने के लिए विरोधी पार्टी ने उन्हें चार भिखारी कहना शुरू कर दिया। मगर इन सभी बातों पर ध्यान न देते हुए चौकड़ी चुप चाप बिहार के लिए जनमत बनाने में ही जुटे रहे। उधर दूसरी ओर बंगाल 1899 तक राष्ट्रवादी और क्रांतिकारियों का सबसे बड़ी शरणस्थली बन चुका था, जिससे ब्रिटिश हुकूमत परेशान हो गया और फिर बंगाल के विभाजन पर विचार करने लगा। इन सब बातों को देखते ही डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और महेश नारायण को लगा कि यही सबसे अच्छा मौका है जब बिहार को बंगाल से अलग किया जा सकता है। उसी दौरान जब बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर अलेक्जेंडर मैकेंजी बिहार के दौरे पर गया, तब डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने उनसे मिलकर बिहार निर्माण को लेकर समार पत्र सौंप दिया। लेकिन अलेक्जेंडर मैकेंजी ने उस पत्र को खारिज कर दिया, जिसके बाद सचिदानंद महेश नारायण के साथ साथ सभी आंदोलनकारी निराश हो गए। मगर उस समय तक लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बन चुका था, जो अंग्रेजों के विरोध में उभरते राष्ट्रवाद को खत्म करने के लिए हर कीमत पर बंगाल का विभाजन करना चाहता था, जिसके बाद साल 1904 में सरकार ने आधिकारिक तौर पर बंगाल का विभाजन प्रकाशित किया। विभाजन के पहले लॉर्ड कर्जन ने खुद कई इलाकों का दौरा किया और कुछ प्रमुख हस्तियों से बातचीत भी की, और फिर 16 अक्टूबर साल 1905 को बंगाल का बंटवारा कर दो भागों में बांट दिया गया। बंगाल के दो हिस्सों में बंटवारे ने बिहार के आंदोलनकारी में नई ऊर्जा भर दी। राजेंद्र प्रसाद छात्रों को इससे जोड़ने लगे। सचिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने 1906 में एक किताब लिखी, सेपरेशन ऑफ बिहार एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1908 में मौलाना मजरूल हक वकालत के लिए बिहार आए। इस समय हसन इमाम भी उभरते हुए नेतृत्व करता थे। सचिदानंद ने उसे संपर्क किया और सभी को एक साथ लाया। 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन अली इमाम हसन के अध्यक्षता में हुआ। इसमें सर्वसम्मति से इस बात को प्रस्तावित किया गया कि बिहार को अलग राज्य बनाया जाए। अंग्रेजों को यह लगने लगा कि अब बिहार को अलग राज्य नहीं दिया गया तो यह क्रांतिकारी गतिविधियों और आंदोलन में तेजी आ सकती है। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम से पहली बार बिहारियों को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में प्रतिनिधित्व मिला। बिहारियों को बड़ी कामयाबी ने भी बिहार को अलग राज्य बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन सम्राट जॉर्ज पंचम ने कोलकाता की जगह दिल्ली को देश की राजधानी बनाया और इसी समय संयुक्त प्रांत के तौर पर उड़ीसा और बिहार के गठन के लिए गवर्नर इन काउंसिल की घोषणा की गई, और इसके 3 महीने बाद 22 मार्च 1912 को बिहार स्वतंत्र राज्य के रूप में भारत के मानचित्र पर आ गया। और इस तरह सचिदानंद सिन्हा के संकल्प ने बिहारियों को एक पहचान दी। हालांकि बदलते हुए राजनीतिक घटनाक्रम में 1936 में उड़ीसा और 2000 में झारखंड बिहार से कटकर अलग राज्य बना।